आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय आरहेनियस इक्वेशन, दैट इज के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके, सो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ होगा जो कि स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, सो स्ट्रेट लाइन होने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो इन दोनों के बीच में स्लोप होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, सो इसके लिए हम सभी रिएक्शन का लिख देते हैं, नहीं तो मैं इस इक्वेशन से ही कर देता हूँ। सो मैंने ये देख रहा हूँ कि सब में एलन की टर्म इन्वॉल्व है। ओके, सो लॉग ले लेता हूँ दोनों साइड, के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। ओके, सो लॉग ले लेता हूँ दोनों साइड, तो क्या बनता है, एलन के इक्वल्स टू एलन ए प्लस टर्म्स अलग अलग कर दी, एलन ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। सो ओके, ई बग की पावर ए बाई आर टी तो नीचे आ गया, सो माइनस ई ए बाई आर टी प्लस एलन ए लॉग के। ओके, सो क्लियरली ये हो गया वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है, वेर ए इज कॉन्स्टेंट। ओके, ए इज कॉन्स्टेंट, सो वन बाई टी एक्स हो गया, और माइनस ए बाई आर भी कॉन्स्टेंट है, सो वो एम हो गया स्लोप, और एल एन के वाई हो गया। सो वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, एल एन के बाई, और एक्स क्या हो गया, वन बाई टी। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।